हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मेरे की दुनिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले टेस्टी ढोकला। तो चलिए स्टीम ढोकला बनाते हैं फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्टीम ढोकला। तो उसके लिए हमने 3 कटोरी हमने चावल लिया है और 1 कटोरी हमने चने की दाल ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कटोरी, जो भी आप कटोरी लो, 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी चने की दाल लेना है आपको। और फिर हमने इसे बाहर चक्की में पिसवाया था, पिसवा के ये आटा बन के तैयार है। तो हम ये 5 कटोरी आटा लेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स पिसवाना नहीं हो तो आप घर पर ही रात को भिगो के चने की दाल और चावल को भिगो के सुबह में आपको पीस लेना है मिक्सी में, और शाम को आपको बनाना है, ऐसे करना है। और अभी हम है ना फ्रेंड्स, इसे सुबह में इसे भिगो रहे हैं आटे को, और शाम को बनाएंगे। ये स्टीम ढोकला है और हम ये इंस्टेंट नहीं बना रहे हैं। इस ढोकले से कम 5 आदमी आराम से खा सकते हैं नाश्ते में, और आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो फ्रेंड्स, कोई भी आपके यहाँ गेस्ट आ रहा हो। और हम इसमें 1 कटोरी खट्टा दही ऐड करेंगे। खट्टा ही दही आपको लेना है, इससे ढोकला बहुत ही टेस्टी बनेगा। खट्टा मीठा और तीखा टेस्ट होगा फ्रेंड्स, वो आगे हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, अब हम गुनगुना पानी लेंगे। गुनगुना पानी लेने से बहुत ही अच्छे से आटा भीग जाता है। पहले हम 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करना है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 2 कटोरी पानी ऐड किया है और 1 कटोरी दही ऐड किया है। खट्टा दही हमने लिया है, खट्टे दही से ढोकला बहुत ही टेस्टी बनता है। 1 कटोरी पानी अभी और हम ऐड करेंगे। जब भी आप स्टीम ढोकला बनाओ तो आपको खट्टा दही ऐड करना है, बहुत ही टेस्टी बनता है, ट्राई जरूर से कीजिएगा एक बार। अच्छे से मिक्स करना है हमें फ्रेंड्स। ये 3 कटोरी हमने ऐड किया था पानी, ये 4 कटोरी हुआ पानी, 5 कटोरी हमने आटा लिया था। अच्छे से मिक्स करना है। पानी बहुत गर्म है इसलिए हमने बड़े चम्मच से इसे मिक्स किया है। अगर आपको सुबह में बनाना हो तो आपको रात को इसे ऐसे ही भिगो के रखना है। अगर आपको रात को बनाना हो तो आपको सुबह में इसे सेम भिगो के रखना है फ्रेंड्स, तो आप शाम को बना सकते हो। अभी हम लीड बंद कर देंगे। ऐसे हमें लीड बंद करना है कि हवा बाहर ना जा सके, ये काम नहीं आएगा, तो हमें थाली ही रखना पड़ेगा। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अच्छे से ढक के हमें रख देना है, और इसके ऊपर आप कोई हैवी चीज रख देंगे तो भी चलेगा। तो चलिए मिलते हैं 10 घंटे के बाद। हम ये सुबह में प्रोसेस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 10 घंटे बाद देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से आटा फूल गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आगे की प्रोसेस। फ्रेंड्स, एक तरफ हम स्टीमर रख देते हैं स्टीम करने के लिए, तब तक पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। हमने बड़ा सा पैन रखा है, मोटा ही चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास ढोकला स्टैंड हो तो उसमें बना दीजिए, हम इसमें बनाएंगे। इसमें हम स्टैंड रखेंगे फ्रेंड्स।
दूसरी तरफ हम गरम पानी रखेंगे थोड़ा सा, अभी हम ज्यादा ही करेंगे, इसे हमें ढोकले के बैटर में ऐड करना है। ये देखिए पानी गरम हो चुका है, तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें छोटी चम्मच खाने वाला मीठा सोडा ऐड करेंगे। ये छोटी चम्मच है फ्रेंड्स, एक चम्मच लिया है। अगर नॉर्मल सी स्टील वाली चम्मच रहती है तो आपको आधी चम्मच ऐड करनी है इसमें, ये चम्मच हो तो आपको आधा लेना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जरूरत के हिसाब से हमें पानी ऐड करना है, गर्म पानी ही लेना है। ये देखिए अच्छे से आटा फूल गया है। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा हमें बैटर चाहिए। तो अभी हम फ्रेंड्स स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अभी हम एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें आप अदरक भी ऐड कर सकते हो और थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए। और फ्रेंड्स इसमें हम आधी चम्मच चीनी ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स हम तड़का लगाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे 4-5 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तड़का लगाने से बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी राई हम ज्यादा ऐड करेंगे, करीब 1 चम्मच मैंने राई ऐड की है। थोड़ी सी हम इसमें हींग ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे हम। लीड बंद कर देना है, नहीं तो ऑयल बाहर गिरता है। तड़का अभी हम बैटर में ऐड करेंगे। आप ये स्टाइल से जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर ऐसा पसंद नहीं हो तो आप ढोकला बना के बाद में भी ऐसे तड़का लगा सकते हो फ्रेंड्स। अभी हमें मिक्स करना है फ्रेंड्स अच्छे से। तो तैयार है ढोकला बैटर। आधी चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बैटर तैयार है। तो थाली में हम ऑयल ग्रीस करेंगे। फ्रेंड्स अभी हम बैटर ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो मत कीजिएगा फ्रेंड्स, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए हम मिर्ची पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये स्टीम ढोकला है। अभी हम लीड बंद करेंगे। इसके ऊपर आप लीड आपके पास बड़ा हो तो वो भी ढक सकते हो, थाली भी ढक सकते हो। मैंने ये बड़ा परात ढका है क्योंकि स्टीम बाहर नहीं निकले, इसके लिए अभी फुल फ्लेम रखना है हमें।
अब हम 10 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे फ्रेंड्स, फुल फ्लेम पे। फ्रेंड्स गैस ऑफ करेंगे हम, 10 मिनट हो चुकी है। फ्रेंड्स हम ओपन कर लेते हैं, ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना है, ये देखिए तो तैयार है फ्रेंड्स ढोकला। तो चलिए अभी हम सर्व करेंगे 2 मिनट के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म ढोकला। फ्रेंड्स अभी हम सर्व करेंगे। साथ धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा हम ऑयल सर्व करेंगे, हरी चटनी सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है स्टीम ढोकला, आप भी खाइए और आपके फैमिली को भी खिलाइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि ढोकला कैसा बना है, ये देखिए। एकदम से सॉफ्ट बना है और टेस्ट में तो लाजवाब है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। ऐसी और भी सिंपल और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए लेके आएंगे फ्रेंड्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।